जो गीत मैंने गाने जा रहा हूं विश्वकर्मा जी द्वारा रचित अलैपुर की उत्पत्ति कैसे है, ये वाराणसी की घटना है। क्या है भूमि क्या के अंदर कोई भाव लिखे। असुरों का अधिपत्य वनी पे छाया गम की घटा दस दिशाओं में व्यापी आंचल में वनी छिपा करके आनंद क्रंदन करे दिल हवस करके कांपी सुराधीश सुरगण सही सर झुका के तो करें अर्चना दिन करके जाके पिघले प्रटंड मारतंड सुर तपस्या से हरने का दुख द्वंद्व प्रकटे हया के असुरों में देवताओं में देवासुर संग्राम छिड़ गया। इतनी घनघोर लड़ाई हुई देवता परास्त हो गए कहीं गुफाओं में कंदराओं में जाकर छिप गए। सोचने लगे अब कैसे हम विजय पाएं इन असुरों पे जा करके यहां तक कि इंद्रासन पे कब्जा कर लिए। सारे लोग जा करके विष्णु जी की तपस्या करते हैं भगवान का आराधना कर ले। कौन तर्ज में गजल का भाव लिखल गई यही गीत मास्टर बजौलन। आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर से अच्छी लाइन कवि जी बिरहा में भाव लिखे। देवता कर जा करके भगवान के आराधना करलन क्या कहलन। अरे रहमते करी रहमतू रहमदार है कष्ट मेरा रहमते कर रहम तू रहमदार है कष्ट मेरा मिटाना तेरा काम है। का कैला असुरों के अत्याचार से लाचार हुआ मन जल जल के जी रहा है बेजार हुआ तन। अरे होगी विजय हमारी कैसे आप बताएं एक दीप दया करके अब कष्ट मिटाए होगी विजय हमारी कैसे आप बताएं एक दीप दया करके अरे कष्ट मिटाए। शरणागत हुए देव में खुश होकर दिवाकर अपने ही अंश का एक पाषाण उठाकर प्रकट हुए भगवान। कहें कि तुम लोग जाओ सूर्यदेव की आराधना करो। सूर्यदेव प्रकट होंगे और अपने अंश का कुछ उनसे पाषाण मांग लेना का चूर्ण मांग लेना उसी का विश्वकर्मा जी से अस्त्र और शस्त्र बनवाना और एक सूर्य मूर्ति बनवा लेना तब तुम्हारी विजय होगी। अब देवतागढ़ चलना कहाँ अलन आ गए काशी में भगवान भोलेनाथ के शरण में। जब शरण में अलन तब तरज आ गए मास्टर लेकिन का कहलन। अरे विश्वकर्मा बड़े ही कलाकार हैं कष्ट तेरा मिटाना अरे उनका काम है विश्वकर्मा आराधना कैलन
सूर्य देवता प्रकट भइलन। सूर्य देवता अपने अंश का एक पाषाण निकाल कर दिए, इस पाषाण को ले जाइए और विश्वकर्मा जी की आराधना करिए, उन्हीं से अस्त्र शस्त्र बनवाइए। तो का कहल विदेशिया के अंदर भाव कवि जी लिखलन, कि भास्कर से पाई के अरे ज्ञान सब सुरगढ़, अरे काशी चयाई गई ले सुना तवने छनावा। आ गेलन काशी में और उनसे एक बात कहलन, का कहलन अस्त्र और शस्त्र के अरे करनी रमणावा, अरे प्रकट भइले सुना बीस कर्मा तवने छाना। विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए, देवतागण उनके सामने हाथ जोड़ के एक विनती कैले, तो भाव टेरी के अंदर लिखल गई, का लिखल गई, मन मानस में उजाला हो गया, अरमा उबल पड़ा भर गया जाम का प्याला, अनुनय विनय अनुनय विनय किए सब सुरगण उर्मे आस लगा करके, अनुनय विनय किए सब सुरगण उर्मे आस लगा करके, अत्याचारी असुरों से प्रभु रखिए हमें बचा करके। अब यहाँ पर जे एक भानु का मूर्ति, आ पर जे एक भानु का मूर्ति, अरे कारीगरी लगा करके, रखिए हमें बचा करके, अरे कल क्या बात है, कल आप सब कुछ जानते हैं, अगर हमें असुरों पे विजय पाना है तो एक काम करना होगा, कलकाई भास्कर यानी सूर्य देवता का जो चूर्ण मिला है इसी में से अस्त्र और शस्त्र बनाना है और एक अलौकित सूर्य की मूर्ति बनानी है। कल ठीक है, एक महीने का समय चाहिए। विश्वकर्मा जी गुप्त स्थान देखे और लेकर के गुप्त स्थान ओ चूर्ण को जो सूर्य का अस्त्र शस्त्र बनाओ बदे चल रहलन, और चल रहे थे तर्ज निकल गई। शारदा सिन्हा जी अपने जमाने में गीत के गौले रह, आजकल तो मेहरारू अपनी मरद के जगावत है, कोनो हाथे से मार के कोनो झाड़ू से पीट के, लेकिन वो गीत गौले रहलिन, तय अपने बलमा के कौन गीत मास्टर, देखा इहो आदर भाव पति का होला। आजकल तो कहा मुंगरी से मार देत हूँ, लेकिन ई मेहरारू के देखा प्यार, ते अपने बलमा के अपने बलमा के जगावे सावर गोरिया चूड़ियों से मार मार के, लेकिन भगवान विश्वकर्मा जी सूर्य के अंश लेकर के काशी में गुप्त स्थान पे बैठल हो ताकि असुरन के पता न लगे, विघ्न न डाल पावे। तो मूर्ति विश्वकर्मा
मूर्ति विश्वकर्मा बनावे वही जुनिया छेनियों से मार मार के शुरू कैलन देवतागण उनकन रक्षा करत हो निगरानी करत हो रची रज बनावे विश्व कर्मा गुणकारिया बहुत दिन न बाद बनिता सबीरिया ज्योति मूर्ति में ज्योति मूर्ति में जगावे वही जुनिया छेनियन से मार मार के अलौकिक मूर्ति तैयारी शुरू कर दिले हूँ छेनी हथौड़ी से जौन उनके पर व्यवस्था मारे लगलन हाँ, तो भाव पहपट के अंदर लिखल गई का कैलन देवतागण खुश हवन कि भगवान द्वारा जौन बतावल गई है अस्त्र और शस्त्र अलौकिक मूर्ति मिल जाई असुरन का नाश कर देवल जाई। तो कवि जी पहपट में लिखलन मारुदंड की मूर्ति दिए बनाई काशी नगरी में अरे कलाकार की कला रही मुस्काई काशी नगरी में एक एक टुकड़ा बीन के देवता रखे सुरगण के आगे विश्वकर्मा संकीय है आराधना असुरगण सूरज जागे तदिये चुड़ के अनुपम अस्त्र बनाई काशी नगरी में अंकुर आशा कह गई हरियाई काशी नगरी में सारी सामग्री अस्त्र और शस्त्र वज्र जो भी था देवताओं को उन्होंने सौंपा। सौंपले के बाद विश्वकर्मा जी वहां से विदा लेते हैं। अभी तैयारी करने लगलन लड़ाई के ही काशी से का केलन भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के अचलन आल्हा में लिखल गेल मास्टर अरे जैसे भानुगत हो तिमिर का नास होला और जैसे मिली सतगुरु के ज्ञान हो जाया अरे जैसे भी योग ने अपन पति पाया बिलखा नीरमीन पाए जालिया घाया अरे वैसा या घैला देव पाके सूर्य मूर्ति दिन करके पद राजा माथा वाला गाया अरे असुरन का नाश कैले देखा शस्त्रवास अरे धरती पर रखल धर्म बचाया अरे धन्य धन्य बाबा विश्वकर्मा
साधन तोहरी कारीगरी कहाया। बाबा विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देवता देते हैं। एक चीज और बतौलन, अरे मूर्ति गढ़ाता जवन गड्ढा भैल भैया, अरे मूर्ति गढ़ाता जवन गड्ढा भैल भैया, अरे उत्तरार्ध कुंड काशी भी जवन कहाया। भोले बाबा से भवनिया मनवा के अपने मनोरम सजाय रे, माँ पार्वती भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ कर कहती हैं, प्रभु इतनी बड़ी कांड यहाँ हुई, यहाँ पे भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा रचित जो कुंड बना उसका नाम उत्तरा कुंड था, समय आने पर उसी को बरकरा कुंड कहा गया, फिर बकरिया कुंड ठेठ में लोगों ने कहा। माँ कहती कि भोलेनाथ एक महिमा इनकी, कम से कम जब तक ये धरती रहेगी तब तक भगवान विश्वकर्मा जी का तो गुणगान होना चाहिए, एक इनके नाम से निशानी देनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ क्या निशानी दिए उस बरकरा कुंड के नाम पे, अंतिम लाइन में बाप कलाकार विश्वकर्मा का, अरे नमवा बताया जा बाबा भोलेनाथ, भाव भक्तन का पूजाए जा बाबा भोलेनाथ, अरज पांव पकड़ गिर राज किशोरी, शिव से अरज लगौली, लगा करके कहलिन का बरकरा कुंड के नाम से बकरिया कुंड गठी आए जा बाबा भोलेनाथ, अरे भाव भक्त का पुजाए जा बाबा भोलेनाथ। वही बरकरा कुंड उत्तरार्थ के नाम से था, बरकरा कुंड बना, बरकरा कुंड के नाम बकरिया कुंड। वो स्थान कहाँ पड़ा ला, जे भैया बनारस घूमे यहाँ तो कभी स्थान के देख सकेला, कहाँ हो तो अलईपुर के पास बना इस कुंड की महिमा न्यारी, सूर्य मूर्ति लुप्त है अरे रमन कहे बिहारी, सूर्य की मूर्ति लुप्त हो गई, आज भी वो स्थान के बरकरा कुंड अलईपुर के पास में हो, का कहलन गुरु बिहारी बचाओ के कीर्ति हर गाए जा बाबा भोलेनाथ, भाव भक्तन का पुजाए जा बाबा भोलेनाथ। जे भाई के शंका हो इस किताब में पढ़ सकेला, आदित्य पुराण जो किताब है आदित्य पुराण में एकर लेख मिलेला, का मिलेला तो उत्तरार्ध का महामात्मा गादा वेद पुराण, पन्ना पलट आदित्य पुराण का लिखी मिलल दस्तान, मनमानस में उजाला हो गया दीना छोटे लाल कहे एक फूल एक माला, मनमानस में उजाला